Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ Amazon Beauty Haul वीडियो एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मैंने इस बार बाय की है Amazon से एंड बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने बाय की है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा एंड पसंद आएगा. अगर वीडियो लास्ट तक देखने के बाद तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ती जाए. एंड आज के मेरे आउटफिट एंड ऑल हेयर पे मेरे मत जाइएगा बिकॉज मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था चेंज एंड ऑल करने का एंड मेकअप करने का. दैट्स व्हाई मैंने ऐसे ही नाइट सूट में बैठी हूँ. सो उसके लिए सॉरी. सो चलिए अब हम लोग फालतू की बकबक छोड़ते हैं एंड विदाउट फर्दर डिले हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैंने बाय किया है ये. कई लोग देखकर समझ गए होंगे ये क्या है. जी हाँ, ये है पैक ऑफ टू रीयूजेबल मेकअप रिमूवर कॉटन पैड्स. जी हाँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, इसमें और भी फोर का ऑप्शन भी आता है. तो ये मैंने टू का पैक लिया था सिर्फ और सिर्फ 267 रुपीज़ में आई थिंक. बट अभी इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी हाई हो चुकी है. दैट्स वाई मैं आपको पुराना प्राइस बता रही हूँ. अभी मिल रहा है ये आपको 299 में पैक ऑफ टू एंड यू कैन सी कितनी अच्छी पैकेजिंग मिली है मुझे इसमें. और इस तरीके से ये कुछ ओपन होता है एंड अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है. ऑफ कोर्स अभी आया है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से ही डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ. एंड मुझे नहीं पता इससे कैसे मेकअप रिमूव होता है, अच्छे से होता है या नहीं, आई डोंट नो. बट इसका जो फील है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही अच्छा, मतलब आपके स्किन को बिल्कुल भी कोई हार्म पहुँचाएगा नहीं. इतना प्यारा इसका कपड़ा है. सो डेफिनेटली अगर आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं मेकअप रिमूवर पैड्स या वो जो कॉटन पैड्स आते हैं उस टाइप के, तो वो क्या है एक बार यूज़ करते हैं फिर फेंकते हैं, वो उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा फालतू वेस्ट होता है. तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने सोचा इस बार कि कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो एंड साथ ही साथ आपका काम भी हो जाए. सो या अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक वुमन के लिए, हर एक गर्ल के लिए बहुत ही मतलब मस्ट बाय प्रोडक्ट है. सो या डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो इसे बाय कर सकते हो. और मैंने टू का ही पैक बाय किया है, इसलिए किया है बिकॉज मैं पहले देख सकूं कि किस तरीके से काम आ रहा है मेरे. और मेकअप नहीं, आप और भी जैसे फेस पैक लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो उसे भी आप इससे रिमूव कर सकते हो. तो मल्टीपर्पज़ टाइप का है तो इसलिए मैंने पहले दो मंगवाए एंड अगर मुझे पसंद आते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी इन्हें बाय करना पसंद करूँगी. सो गाइज, अगेन मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बाय किया है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. जी हाँ, आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि ये छोटा सा क्लच है बट ऐसा नहीं है. ये है 15 पीस नेल क्लिपर सेट पेडिक्योर किट, स्टेनलेस स्टील की है एंड कैसे कितना प्यारा है ये. एंड ये ऊपर जो है ये लेदर है एंड बहुत ही सॉफ्ट सा फील है इसका भी. ओके एंड इस तरीके से चेक्स कुछ बने हुए हैं इसके ऊपर ब्लैक में एंड इसका आई थिंक टैन कलर में भी आता है. तो मैंने वही वाला बाय किया था बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया करते करते. फिर उसके बाद मैंने ये वाला देखा तो मुझे ये भी पसंद आया तो मैंने ये वाला ले लिया. एंड यू कैन सी यहाँ से इसे प्रेस करना है आपने इस तरीके से एंड ये ओपन हो जाता है. और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मतलब मैट ब्लैक कलर में है. और आप लोगों ने देखा होगा स्टील में तो दिख ही जाते हैं मतलब जो भी नेल कटर्स एंड ऑल है, बट इस तरीके से बहुत रेयर दिखते हैं. सो यू कैन सी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है 100%. मतलब आप लोग लेने के बाद इसे रिग्रेट नहीं करोगे. यू कैन सी मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ. सो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है. सो मतलब हम अगर सिर्फ नेल कटर लेते हैं या कुछ भी इसमें से कोई आइटम लेते हैं तो हम उसे कहीं भी रख देते हैं, तो एक ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा है. आपकी चीज़ें भी यहाँ वहाँ नहीं होगी एंड ये एक बार ले लिया तो ये लंबा चलता है. सो इस टाइप की चीज़ है. तो आप लोग अगर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस तरीके से बाय कीजिए. तो मतलब आपको दिखने में भी अच्छा लग रहा है एंड ऑफ कोर्स यूज़ करने में तो बहुत ही अच्छा है. ये हम लोगों ने यूज़ करके भी देखा है इसे. सो या इस तरीके से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं सो डेफिनेटली बाय कीजिए. एंड अगेन मैं प्रोडक्ट दिखाने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि आप लोगों को प्राइस नहीं बता पाती हूँ. सो इसकी जो प्राइस है वो है
अभी इसकी चल रही है 426 रुपीज़, बट मैंने इसे बाय किया था तो आई थिंक 400 समथिंग में मैंने इसे बाय किया था। 20-25 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, सो ऐसा आपको चेक करते रहना पड़ेगा अमेज़ॉन पे, कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, जब कम हो जाए प्राइस उस वक्त आपने बाय कर लेना है। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप इसे बाय करना चाहते हो सो गो फॉर इट। सो गाइस, नेक्स्ट है जो मैं प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ, मेरे जो डेली व्यूअर्स हैं उन्हें मतलब वो देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, जो मैं प्रोडक्ट अभी दिखाने जा रही हूँ वो मैं तीसरी बार बाय कर रही हूँ। जी हाँ, तीसरी बार, जो कि है ये है मिस एंड मैम एंटीबैक्टीरियल बैम्बू हेयर ब्रश। सो ये मैंने बाय किया है 279 रुपीज़ में। इसके पहले जब बाय किए थे दो ब्रशेज तो वो आई थिंक 245 में मुझे मिल गए थे, उस वक्त अच्छा डिस्काउंट चल रहा था एंड इस वक्त नहीं था, लेकिन मुझे इसकी और ज़रूरत थी, घर में और भी सभी को पसंद आए हैं, दैट्स वाई। तो मैंने इस वक्त इसे 279 में बाय किया है। एंड गाइज, ये हेयर ब्रश अगर आपने एक बार बाय कर लिया ना तो डेफिनेटली आप दूसरा मंगवाओगे ही किसी और के लिए। सो आप लोग अगर इसे बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आँख बंद करके कर लीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। स्टील काइंड ऑफ इसके ब्रशेज हैं एंड बहुत ही अच्छा बैम्बू का ये बैक है इसका, तो काफ़ी लग्जूरियस फीलिंग देता है ये एंड होम करने में ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है ये। तो आप लोग अगर बाय करना चाहते हो सो मतलब आँख बंद कीजिए और बाय कर लीजिए, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट है मैंने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो है ये। ये है, कई लोगों को पता ही होगा, बायोटिक के नेचुरल मेकअप मैजिक कलर लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड जो है वो है गिव मी ए रोज, और ये 4 ग्राम की क्वांटिटी आती है इसमें। अभी मैंने यही वाला शेड जो है वो वेयर किया है एंड इसकी जो प्राइस है आप लोग सुनकर दंग रह जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 88 रुपीज़ में। तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि यार 88 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा, इतनी अच्छी ब्रांड की लिपस्टिक मिल रही है। बायोटिक जानी माना ब्रांड है एंड इसके सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग एंड ये है प्रोडक्ट। तो अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, किसी चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो मुझे आउटर इनर पैकेजिंग बहुत ही पसंद आई एंड ये कलर जो है अभी आप मेरे लिप्स पर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो। एंड प्राइसिंग वाइज भी बहुत ही अच्छा है, 100% आप मैं कहूँगी मतलब कि ये पॉकेट फ्रेंडली कोई भी इसे बाय कर सकता है। सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बाय किए हैं मिनीसो के शीट मास्क, जिसमें एक है हाइलोरनिक एसिड वाला, देन नेक्स्ट है कोलेजन वाला एंड थर्ड है इसमें वाइटामिन सी वाला। ओके, तो तीन मैंने बेसिकली बाय किए हैं, कॉम्बो टाइप का था इसका ये एंड 180 रुपीज़ के हैं ये तीन, मुझे मिल गए हैं। कुछ नया था दैट्स वाई मैंने बाय किया है, वाइटामिन सी, कोलेजन एंड ये है हाइलोरनिक एसिड। तो इस तरीके के ये तीन, मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया है सो आई डोंट नो ये कैसा है, बट इसके रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये भी अगेन पॉकेट फ्रेंडली है, इसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। अदर ब्रांड्स के आप लोग देखोगे तो बहुत ही महंगे महंगे शीट मास्क है एंड यूज़ तो वही होने वाला है। ओके, एंड आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी जो मतलब क्वालिटी है मिनिसो की वो कैसी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है मिनिसो की हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कोई भी प्रोडक्ट हो इसका बहुत ही अच्छा होता है। सो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को अगर पसंद होगा तो डेफिनेटली आप इन्हें बाय कर सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें सो मैंने यहाँ पर लिया है वेगा का ये वाला 4-in-1 फुट पेडिक्योर ब्रश, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको प्यूमिक स्टोन मिल जाता है, स्क्रबर मिल जाता है, फाइल फॉर सॉफ्ट केयर, फाइल जिससे करते हो आप पैरों की मरी हुई जो चमड़ी रहती है डेड स्किन जिसे कहते हैं उसे निकालने के लिए भी इसमें ये स्टोन टाइप का दिया हुआ है। तो ये बेसिकली 4-in-1 है, आप एक लीजिए एंड ये लंबा चलने वाला है बिकॉज ये अगेन ब्रांडेड है, वेगा का है। सो प्रोडक्ट वेगा के कैसे हैं जो यूज़ करता है उसे पता ही होगा, मेरे पास कई सारे वेगा की अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे इसके मतलब वेगा पे पूरा भरोसा है, इनके जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल रफ एंड टफ होते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 40-50-100 रुपये में मिल जाएगी, बट मैंने इसे बाय किया है 200 रुपीज़ में। बट मैंने जब इसे बाय किया था ये था 186 रुपीज़ में, अभी इसकी 200 प्राइस हो गई है एंड
बीस पच्चीस 50 रुपये ऊपर देना मैंने इसलिए जरूरी समझा, बिकॉज एक बार ले लो और अच्छा कुछ ले लो तो बार बार रोना नहीं पड़ता। अगर आप कुछ भी ले आओ और फिर टूट फूट जाए कोई मतलब नहीं। मैंने इसके पहले भी इस टाइप का कुछ लिया था और वो बहुत ही जल्दी उसका जो स्टोन था वो निकल के अलग हो गया, तो मैंने सोचा इस बार मैं क्यों ना वेगा का ट्राई करूँ। एंड इसके रिव्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। सो या अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं सो ये बहुत ही अच्छा है डेली यूज़ टाइप की चीज़ में, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट ऐप मैंने बाय किया है एम कैफेन का ऑयल फ्री कॉफ़ी फेस मॉइस्चराइजर इंस्टेंट हाइड्रेशन रेगुलेट एक्सेस ऑयल। ओके एंड इसके अंदर पाया जाता है हाइलोरनिक एसिड, प्रो वाइटामिन B5, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। ये पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और 100% नेचुरल है ऐसा इनका कहना है। आई डोंट नो। सो इस तरीके से है एम कैफिन के मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो उसमें है स्क्रबर फेस स्क्रब जो कि बहुत ही अच्छा है, एंड इनका मैंने कॉफ़ी का जो फेस पैक है वो भी यूज़ किया है, वो भी अगेन बहुत ही ज़्यादा ऑसम वर्क करता है एंड 100% वो आपकी स्किन से टैनिंग बहुत ही जल्दी छुमंतर कर देता है। सो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ना एक मॉइस्चराइजर भी इसका ट्राई किया जाए। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 381 रुपीज़। अभी लाइटनिंग डील चल रही है तो आप लोग ऐसे टाइम पर इसे बाय कीजिए, और कोई भी अदर प्रोडक्ट्स को ऐसे टाइम बाय करोगे तो बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में आप लोगों को मिल जाएगा। सो या अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बाय किया है मामा अर्थ का क्लेंजिंग मिल्क। ओके सो या क्लेंजिंग उपटन क्लेंजिंग मिल्क फॉर फेस विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन फॉर जेंटल क्लेंजिंग। ओके सो ये है 100 ग्राम की इसमें क्वांटिटी आप लोगों को मिल जाती है, और मैं बहुत टाइम से बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही नेचुरल सा कोई क्लेंजिंग मिल्क ढूंढ रही थी, जो कि इस बार मैंने ये वाला बाय किया है। एंड ममार्ट के आप लोगों को पता है ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एंड अगेन मुझे इस टाइप के जो 100% नेचुरल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने इस बार ये वाला बाय किया। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है 303 रुपये का है ये 100 ग्राम। इसमें आप लोगों को क्वान्टिटी मिलती है एंड पैकेजिंग वाइज इट्स ऑसम। सो यू कैन सी अच्छे तरीके से यहाँ पंप पैकेजिंग दी गई है ताकि हाइजीन को आप पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सको, एंड अच्छी खासी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं भी इसे रख कर ले जा सकते हो, कोई भी लीकेज वीकेज की कोई भी टेंशन नहीं है। एंड या अगेन मैं यही कहूँगी कि ममाद के हर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे निकलते हैं। ओके सो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आते हैं या नहीं। ओके सो अगर आप लोग कुछ अच्छा सा, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है सो डेफिनेटली आपने इस टाइप के ही कोई प्रोडक्ट्स बाय करने चाहिए जो कि क्रुएल्टी फ्री हो और 100% नेचुरल हो और साथ ही साथ पैराबिन फ्री हो, SLS फ्री हो, ये सारी ही चीज़ें इसमें नहीं हैं। ओके तो ये आपके स्किन को अच्छे से सूट करेगा। एंड इसकी एक खास बात ये होती है ममार्थ प्रोडक्ट की कि ये 100% मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होते हैं। ओके सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपकी स्किन को ये सूट करेगा या नहीं। सो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, जो कि अगेन यहाँ पर मैंने लिया है ममा अर्थ राइस वंडर वाटर विथ राइस वाटर एंड सॉरी मैं क्या पता क्या बोले जा रही हूँ, आई डोंट नो। सो मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है ममा अर्थ का राइस वंडर वाटर करके इनका एक प्रोडक्ट आया है, जिसमें पाया जाएगा आपको मिल जाता है इसमें राइस वाटर एंड कैरेटिन। सो यू कैन सी ये काइंड ऑफ सीरम टाइप का है, सीरम टाइप का नहीं सीरम ही है। ओके तो इस टाइप का है ये, और यह दिया गया है कि फॉर डिटेंगल हेयर इन 7 सेकेंड्स। मतलब ये कोई मतलब ऐसे समझिए कि ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप अगर इसे लगाकर और 7 सेकेंड्स के लिए आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दें एंड उसके बाद अगर आप कोम करते हैं तो आपके बाल जो है वो 100% डिटेंगल हो जाएंगे, ऐसा इनका क्लेम है। एंड मैंने इसे एक बार यूज़ किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ऐसा समझिए कि 80% ये वर्क जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही करता है। ओके तो डेफिनेटली अगर आप इस टाइप का कुछ बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। एंड इसकी भी अगेन पैकेजिंग मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत ही अच्छी है, पैकेजिंग के मामले में अगेन ममार्थ बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करता है। एंड इस तरीके से है ये, यू कैन सी
ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। सो या इसी तरीके से यहाँ से स्प्रे टाइप से होता है ये, तो इस तरीके से अगेन ये ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। गिरने विरने का, टूटने फूटने का कोई भी डर नहीं है इसमें। और ये आई थिंक मैंने इसकी प्राइस आप लोगों को बता दी, आई डोंट नो, तो मैं अगर मैंने नहीं बताई हो तो इसकी प्राइस है 303 रुपये में। आपको 100 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें। और या मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, मतलब बहुत ज़्यादा वाव वाला प्रोडक्ट भी नहीं है, बहुत ही इस टाइप का भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। आप अगर कुछ नया कुछ ट्राई करना चाहते हो, वाटर टाइप का सीरम, तो ये डेफिनेटली आपने एक बार ट्राई करना चाहिए। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज के मेरे यही इतने प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों से जनरली जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू था वो शेयर किया। मुझे फालतू में किसी प्रोडक्ट की बढ़ाई करना या किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं मिले कि जो मैं जिसकी तारीफें की जाऊँ फालतू में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मुझे जो जो प्रोडक्ट जैसा लगा वैसा मैंने आप लोगों के साथ जनरली रिव्यू शेयर किया। और भी कोई अदर प्रोडक्ट के आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका जवाब भी देती हूँ। अगर कोई डिमांड्स होती हैं ऐसी कि कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करना, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो प्रोडक्ट मंगवाती हूँ, उसे यूज़ करती हूँ पहले अपने आप पर, एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों से किसी भी चीज़ का रिव्यू शेयर करती हूँ। सो वीडियो पसंद आया सो लाइक कीजिएगा, एंड बाकी आप लोगों को क्या क्या करना है वो आप लोगों को खुद को पता है। सो मैं ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगी, एंड बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।